हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दुदुन गार्ड व्लॉग। आज पापा गाड़ी चलाने वाले हैं, तो रेडी। आज पापा मुझे राइड देंगे। बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। देखिए तो जस्ट बिकॉज हम लोग बहुत पास ही में जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन तक, इसीलिए हेलमेट नहीं पहने, लेकिन ऑलवेज वेयर हेलमेट फॉर सेफ्टी। हम लोग पहुंच गए, यहाँ पर वी आर पार्किंग। सो गाइस, वी आर ऑलमोस्ट हियर। एज यू कैन सी, गाड़ी पार्क भी कर दिए एंड अभी घुसेंगे मेट्रो स्टेशन पे। वेट, हाई कर दो। आपको कॉइन मिलेगा। पापा खड़े हो गए लाइन पे। पापा का हो भी गया, तो लेट्स गो। हम लोग अभी स्केलेटर से जा रहे ऊपर, बट द ट्रेन विल कम। सो गए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। As we have already made a video on the metro station, but still it's my first second video, so I'm introducing each and everything. So let's see. So this is the timing given, and this is the platform. दोस्तों, इस स्टेशन में मैं अपना लड़के को छोड़ दिया हूँ, पढ़ने के लिए चला गया। मैं चला गया कलकत्ता घूमने। ये जो जगह देख रहा है, इसका नाम है धर्मतला। बंगाली में बोलता है धर्मतला और इंग्लिश में बोलता है एस्प्लेनेड। ये जगह कलकत्ता का एकदम फेमस जगह में से एक है। यहाँ सारे बिजनेस, सारे काम काज, ये मेन कलकत्ता का मेन ही जगह ये है। अगर किसी ने कलकत्ता का आना है, तो अगर इस प्लेनेट जगह में नहीं आया, तो समझ लो कलकत्ता का पूरा नहीं देख पाया। यहाँ पुराना पुराना टैक्सी मिलेगा। ये वाला टैक्सी जो एम्बेसडर गाड़ी होता है, बहुत मजबूत गाड़ी होता है। एक ज़माने में पूरा मिनिस्टर लोग यही गाड़ी यूज़ करते थे, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो। यहाँ पुराना बास भी आपको मिलेगा, जो नया पुराना तो दोनों ही मिलता है। ये पुराना बास भी अभी तक है। ये जो यहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी मिलेगा, नया नया बिल्डिंग मिलेगा, साथ साथ पुराना बिल्डिंग भी मिलेगा। यहाँ देखिए, किसी ने सामान बेच रहा है। यहाँ बस स्टॉपिस है, यहाँ से मेट्रो जाके जाने का, हावड़ा जाने का चांस रहता है, बस स्टॉप रहता है। देखिए बस, आप देख पा रहा है कितना स्पीड में पुराना गाड़ी जा रहा है। ये मेट्रो स्टेशन है, ये एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन। देखिए यहाँ आसपास में आपको जूस वगैरह मिलेगा, अच्छा स्टॉल मिलेगा। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत करके सजा के रखा है। ये अपना जूस वगैरह बेचता है, सेल करता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सेल करता है। यहाँ टैक्सी स्टैंड भी है, टैक्सी भी रहता है। और बहुत ये रास्ता जैम रहता है, एकदम रात 12-1 बजे तक ये रास्ता जैम रहता है। यहाँ एक गार्डन भी है, लेलिन बोल के ब्रिटिश इसका गवर्नर का एक गार्डन है। ये देखिए सामने एक मस्जिद नज़र आ रहा है, इसका नाम है टीपू सुल्तान मस्जिद। जो टीपू सुल्तान था, उसका वंशज का ये मस्जिद है। बहुत पुराना मस्जिद है। मैं कभी अंदर नहीं गया, लेकिन कोशिश करूँगा एक दिन जाने का। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है चोरोंगी। ये चोरोंगी है, चोरोंगी चार रास्ते का मोड़ है और इसका नाम चोरोंगी है। यहाँ अभी भी मेट्रो चलता है, ये अभी ट्राम चलता है, जो सबसे देश का सबसे पुराना ट्राम गाड़ी है। लेकिन मैं रुक नहीं पाया, आधा घंटे के बाद ट्राम आने वाला था, मैं रुक नहीं पाया। ये देखिए जो गार्डन, ये जो स्टैचू है, इस स्टैचू का नाम लेलिन का स्टैचू।
गुआवा मिल रहा था, पाँच रुपया पीस करके, तो मैं कुछ ले लिया, पाँच रुपया पीस देंगे, मैं पाँच पीस ले लिया घर के लिए। यह मार्केट रास्ते का साइड पे पूरा मार्केट रहता है, जो तरह तरह की सामान मिलता है, जैसा कपड़ा है, जैसा गॉगल्स है, हर टाइप का कपड़ा गॉगल्स सब कुछ मिलता है। देखिए आप, देखिए ये कपड़ा वगैरह सब कुछ है, या बेल्ट भी नज़र आ रहा है, बहुत सस्ते में मिलता है या, क्योंकि ये लोग फुटपाथ में बैठता है, उतना इन लोगों का खर्चा नहीं होता, इस वजह से सस्ते में सब कुछ सामान दे सकता है ये लोग। ये पुराना म्यूजिक है जो पहले ज़माने में हाथ घुमा के चलता था। देखिए पुराना पुराना सब गाड़ी है, कलकत्ता में सब कुछ पुराना जैसे ही है। एक जगह भेलपुरी मिल रहा था तो मैं लिया, 40 रुपया लिया, मेरे को दिया, मैं बोला चलो देखते हैं कैसा टेस्ट है। मैं भेलपुरी मेरे को दिया, वो मैंने खाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मूढ़ी से बनता है, जो राइस क्रिस्पी है उससे बनता है, राइस क्रिस्पी और भी क्या क्या मिलाता है। बाद में बारिश भी आ गया थोड़ा थोड़ा, कोई कोई लोग अपना दुकान भी बंद कर दिया, जो हवा बहुत चल रहा था, लेकिन बाद देखिए ये आदमी दुकान अपना बंद कर दिया बारिश के बाद। मैं अंदर अंदर बारिश में थोड़ा सा भीग भीग के मैं ये जा रहा था, क्योंकि अंदर उतना बारिश नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि पथ था ये। एक जगह मैं 2-5 रुपये में मैं चाय लिया, चाय भी पिया भी। रोड क्रॉस कर रहा था तो दोस्तों 5 रुपये का चाय पिया, 40 रुपये का भेलपूरी खाया, अच्छा लगा। देखिए कपड़ा के वगैरह भी, कपड़ा, टी शर्ट, लेडीज पैंट, बैग्स, देखिए अच्छा अच्छा बैग्स भी मिलता था, बहुत सस्ता ही मिलता है। ये देखिए वीडियो बनाने का सब सामान, देखिए कपड़ा भी है, इधर रेस्टोरेंट भी है, अंदर रेस्टोरेंट खाने का, देखिए बच्चे लोगों का कपड़ा सब कुछ इधर सेल हो रहा है। तो प्राइस भी लिखा हुआ है, किसी को पूछने का ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना अच्छा अच्छा आइटम है, कपड़ा है, लेडीज़ कपड़ा है, एकदम फिटिंग कपड़ा सेल हो रहा है। आप यहाँ आएंगे बहुत सस्ते में आपको सामान मिलेगा। ये कलकत्ता का मेन जगह है जो धर्मतला में आता है, धर्मतला से मैं पार्क स्ट्रीट की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए एक बिल्डिंग है, इसका नाम है ग्रैंड होटल, ये सबसे पुराना होटल है कलकत्ता का, बहुत मशहूर है, बड़ा लोग यहाँ आके ठहरता है। ये जो बिल्डिंग है इसका नाम ग्रैंड होटल, यहाँ लोग बहुत लोगों को रोजगार होता है, ऐसे ही सामान वगैरह सेल करके फुटपाथ पे। देखिए थोड़ा थोड़ा बारिश था तो लोग छाते वगैरह लेके चल रहा था। ये जो जगह आप देख रहा है इसका नाम है न्यू मार्केट। यहाँ भी हर टाइप का, ये क्रिसमस के टाइम बहुत जमजमाट इधर प्रोग्राम चलता है, ये हर टाइप का सामान इधर भी मिलता है। देखिए थोड़ा, देखिए न्यू मार्केट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ चारों तरफ दुकान होता है, और हर टाइप का सामान इधर मिलता है, सस्ता भी मिलता है, हर टाइप का मिलता है सामान। हर टाइम देखिए पब्लिक का भीड़ रहता है, देखिए आप कितना भीड़ है। देखिए इधर होटल जैसा है, ऐसा खाने का रेस्टोरेंट है, या देखिए यह फुचका भी मिलता है, जो पानी पूरी बोलता है, बहुत सस्ते में मिलता है। न्यू मार्केट एरिया, यह सारे मार्केट है, अच्छा अच्छा मार्केट, रेस्टोरेंट सब है, यह लोग अब भीड़ लगा रहता है कभी भी। जाते जाते और एक जगह मुझे पानी पूरी सेल करने वाला मिल गया है, इधर पानी पूरी बहुत सेल होता है। देखा एक लड़की कुत्ते को बिस्किट वगैरह दे रहा था, मुझे लगता है लड़की बहुत कुत्ते या एनिमल को बहुत प्यार करता है। देखिए एक जगह मैं चाय पीने के लिए रुक गया, चाय का जो भाड़ है
देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा, वो कुछ महंगा बोल रहा था, 20 रुपया 25 रुपये बोल रहा था, मैं छोटा 10 रुपये में फर्स्ट क्लास चाय लिया। दिखने में तो बहुत अच्छा है। देखिए मैं भी एक चाय लिया, 10 रुपये का, ये 10 रुपये का, ये 20 रुपये का। अब मैं जाते जाते देखिए फ्लाईओवर में मिल गया। ये फ्लाईओवर में जो स्पीड में गाड़ी जाता है तो ये फ्लाईओवर यूज़ करता है। देखिए पब्लिक कितना होता है, रास्ते रोड क्रॉस करता है। अब यहाँ मेट्रो स्टेशन तक आ गया, यहाँ मेरा लड़की आएंगे पढ़ाई करके, ये मैं पार्क स्ट्रीट में वो पढ़ाई करता है, मैं उसको लिए इंतजार कर रहा। बाकी तो मेट्रो में चढ़ गया, दोनों मिलके मेट्रो चढ़ गए, अभी अपना घर का नज़दीक जा रहा हूँ। बाद में हम लोग मोटरसाइकिल से फिर दोबारा घर जाएंगे। हाय, सो हम लोगों का घूमना हो गया। हाँ, तो हम लोग अभी रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्निंग। सो एज यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट लाइक इवनिंग। सो अभी जहाँ पर हम लोगों ने बाइक पार्क किया था वहाँ से जाएंगे और फिर घर जाएंगे। घर जाएंगे गाड़ी तो इधर सब पार्किंग होता है। पापा ने पैसा दे दिया इनको, अभी जा रहे हैं बाइक को लेने। Let's go. So we are heading towards our home after a little journey. हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं घर में। We are taking a turn. गंदा है। ये आ गया हम लोग का घर, जो वो ब्लू कलर दिख रहा है आप लोगों को, ये मैंगो ट्री है। एंड हम लोग पहुंच गए। सो यो, सो फाइनली वी आर हियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Do like and subscribe to our channel, and next video we will be there. Bye. दोस्तों हम लोग घर में आ गया, कलकत्ता घुमा, कलकत्ता का वीडियो दिखाया बनाया। मैं लड़की के साथ गया था कलकत्ता, उधर जाके उसका भी वीडियो बनाया, वो भी गया था पढ़ने गया था वापस। बाद मैं कलकत्ता का वीडियो बनाया, मैं दोबारा आया, रिटर्न आया तो उसको लेके आया, तो एक वीडियो बना लिया। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? कलकत्ता का वीडियो दिखाया, कलकत्ता में ऐसा ऐसा मार्केट है, ऐसा ऐसा मेन टाउन है, एस्प्लेनेड है, ये सब कुछ दिखाया। तो आपको देख के मुझे लगता है अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन है ना, वो बेल बटन में क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिल जाए। जब भी मैं अपलोड करूँगा फास्ट आपको मिल जाएगा, बेल बटन लाजिम दबाइए। ओके, तो रखता हूँ, भाई ज़्यादा बकबक ना करके नेक्स्ट वीडियो में फिर आते। ओके, सब्सक्राइब कर, इतना टाइम देखा हम लोगों का बकबक ये हो झेला, इसके लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय।